स्वागत है आपका एक्सप्लेनरपीडिया में। तो आज की मूवी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम फातिमा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो एक अंधेरे से कमरे में खड़ी हुई थी और टॉर्च जगाकर उसे जगह को देख रही थी। तभी उसकी टॉर्च बंद हो जाती है और वह घबरा जाती है। फिर वह दूसरे कमरे में जाती है। यहाँ पर उसके साथी खड़े हुए थे और कह रहे थे कि हमें यहाँ पर एक कमरा मिला है और वहाँ पर बहुत सारे वैक्यूम मिले हैं। ये सभी लोग धरती के नीचे रह रहे हैं। धरती के ऊपर रहने वाले लोगों के साथ इनका कोई भी नाता लेना देना नहीं है। इसके बाद फातिमा कहती है वो ये बात अपने अंकल को बताएगी। और जैसे ही वह अपने दूसरे कमरे के अंदर जाती है, कमरे के अंदर दो लोग मौजूद होते हैं, एक उसका अंकल और दूसरा पोटा। ये दोनों ही फातिमा का ख्याल रखा करते थे। इन दोनों को पता चलता है कि आज फातिमा एक अनजान कमरे में गई है और अनजान कमरे में जाना इन सब के लिए खतरे की घंटी थी। इसलिए वह दोनों मिलकर फातिमा को डांटते हैं और उसे कहते हैं कि हमने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम इधर उधर मत घूमो। तुम्हें पता है ना कि बाहर हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है और धरती के बाहर जाना मौत को बुलावा देना है। खुद तो मरोगे ही और साथ में बाकियों को भी मरवाओगे। फातिमा आगे से कहती है अगर यहाँ पर लेगोस होता तो वो मुझे कभी भी मना नहीं करता बल्कि मेरा साथ देता। अब यहाँ पर फातिमा ने बात की है लेगोस की। कौन है ये लेगोस आगे आपको पता चल जाएगा। इसके बाद फातिमा अपने कमरे में सो जाती है और उसे अपनी पुरानी यादें आना शुरू हो जाती है। वह सोचती है जब उसका दोस्त यहाँ पर मौजूद था जिसका नाम लेगोस था, वह उसे हमेशा कहा करता था कि मैं धरती के ऊपर जाकर नए नए जगह घूमना चाहता हूँ और जब तुम बड़ी हो जाओगी मैं तुम्हें भी पूरी दुनिया घुमाऊंगा। फिर लेगोस उसे एक तस्वीर दिखाता है जो बाहर की दुनिया की तस्वीर थी क्योंकि वह सभी जमीन के अंदर रहा करते थे। उन्हें बाहर की दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता था, ना ही उन्होंने वो दुनिया कभी देखी थी। इसलिए लेगोस उसे कहता है कि जब मैं वापस आऊंगा तुम्हें भी अपने साथ दूसरी दुनिया में लेकर जाऊंगा। लेकिन उसके बाद लेगोस कभी भी उसके पास वापस नहीं आया। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम फातिमा को देखते हैं जो दोबारा से डेंजर कमरे में चली गई थी। वहां पर वह कुछ ढूंढना शुरू कर देती है। तभी उसे एक लाल आंखों वाला आदमी दिखाई पड़ता है जो कि उल्टा खड़ा हुआ था। उसे देखकर फातिमा डर जाती है और जब वह आदमी फातिमा की तरफ बढ़ता है तब फातिमा नीचे जमीन पर गिर जाती है और दूसरी दुनिया में आ जाती है। असल में फातिमा दूसरी दुनिया में जमीन के ऊपर की तरफ जा रही थी क्योंकि जमीन के अंदर की ग्रेविटी ऊपर आकर उल्टी हो गई थी, जिस कारण फातिमा भी ऊपर जमीन में आकर उल्टी हो गई थी। इसके बाद हमें ऊपर की दुनिया का आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम एज होता है। वह आराम से लेटा हुआ था। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। जैसे ही वह पीछे मुड़कर देखता है तब एक बैग तारों से लटका हुआ उसे दिखाई पड़ता है। फातिमा अपने बैग को उठाने की कोशिश करती है। तभी दोनों एक दूसरे को पहली बार देखते हैं और दोनों ही एक दूसरे को उल्टा लटकते हुए देखते हैं क्योंकि एज ऊपर धरती में रहने वाला था जबकि फातिमा धरती के नीचे रहने वाली थी। इसलिए दोनों एक दूसरे को उल्टा देख रहे थे। यहाँ पर फातिमा एज से मदद मांगती है। जब एज उसका हाथ पकड़ता है तब वे दोनों ऊपर हवा में उड़ने लगते हैं क्योंकि यहाँ पर फातिमा का वजन एज से ज्यादा था। इसलिए ग्रेविटी फातिमा को उल्टी दिशा में खींच रही थी। इसके बाद दोनों हवा में उड़ने लगते हैं। कुछ समय बाद फातिमा के हाथ से बैग नीचे गिर जाता है जिसके बाद एज का वजन अब फातिमा के मुकाबले ज्यादा हो जाता है। इसके बाद वह दोनों धीरे धीरे वापस जमीन पर आने लगते हैं। इसके बाद फातिमा नीचे देखती है यानी आसमान की तरफ देखती है। फातिमा के लिए आसमान गहरी खाई थी। तभी वह एज से कहती है मुझे छोड़ना मत नहीं तो मैं नीचे गिर जाऊंगी। इसलिए वह एज को कसकर पकड़ लेती है। इसके बाद एज उसे धीरे धीरे अपने घर ले जाता है और अंदर आकर फातिमा आराम से छत के सहारे खड़ी हो जाती है क्योंकि फातिमा इन्वर्टेड थी और उसके लिए जो आसमान था वो जमीन थी, जो जमीन है वो आसमान था। इस तरह से वो आराम से छत के सहारे खड़ी हो जाती है। इसके बाद फातिमा कमरे से बाहर आसमान की तरफ देखती है। तब उसे याद आता है कि एक बार लेगोस ने उसे एक तस्वीर दिखाई थी जो जमीन के ऊपर की थी। उसे देखकर फातिमा बहुत हैरान हो जाती है। इसके बाद फातिमा एज से कहती है तुम उल्टे क्यों खड़े हो। आगे से एज कहता है कि उल्टा मैं नहीं बल्कि तुम हो,
इसके बाद बाहर स्पीकर पर अनाउंसमेंट होती है। तब एज पातिमा को कहता है, अब मेरे स्कूल जाने का वक्त हो गया है, मैं बहुत जल्द वापस आ जाऊंगा। पातिमा कहती है, मुझे तुम अकेला छोड़कर मत जाओ। एज कहता है, तुम घबराओ नहीं, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा, तब तक तुम इस घर के अंदर पूरी तरह सुरक्षित हो। कुछ समय बाद एज दोबारा से घर आता है और पातिमा को खाने के लिए कुछ देता है। इसके बाद एज घर के बाहर बैठकर पातिमा को कहता है कि तुम भी बाहर आ जाओ और आसमान की तरफ देखो। पातिमा बहुत डर रही थी, वह आसमान की तरफ देखना नहीं चाहती थी क्योंकि आसमान उसके लिए एक गहरी खाई था। फिर वह हिम्मत कर बाहर देखती है और देखती है उसके नीचे सितारों से भरा आसमान था। उसे देखकर वह बहुत खुश हो जाती है क्योंकि ऐसा नजारा उसने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा था। इसके बाद एज उसे बताता है कि मेरे पिता को भी आसमान देखना और उसे एक्सप्लोर करना अब बहुत पसंद था, इसलिए उन्होंने हवा में उड़ने वाली एक मशीन बनाई। लेकिन उसी मशीन में मेरे पिताजी नीचे गिर गए जिस कारण उनकी मौत हो गई। पातिमा कहती है, मेरे घर वाले मुझे ढूंढ रहे होंगे। इसके बाद एज उसे कहता है, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें सही सलामत तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा, ये मेरा वादा रहा। इसके बाद हम आएगा के लीडर मूरा को देखते हैं। असल में ये एक कंपनी, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि धरती पर नजर रखती है। उन्हें पता चल जाता है कि नीचे धरती से कोई इनकी धरती पर आ गया है, इसलिए ये लीडर मूरा अपने साथियों को ऑर्डर देता है कि किसी भी तरह उस इंसान को मेरे पास लेकर आओ जो कि इन्वर्टेड है। इसके बाद हम एज को देखते हैं जो अपने घर के बाहर देख रहा था। वह देखते हैं कि कुछ गार्ड्स घर की तरफ आ रहे हैं। वह समझ जाता है कि ये पातिमा को पकड़ने के लिए आ रहे हैं, इसलिए वह जल्दी से पातिमा का हाथ पकड़ता है और भागने लगता है। जैसे कि पातिमा ऊपर की तरफ जा रही थी जिस कारण एज का जो वजन था वो हल्का हो गया था, इसलिए वह ऊंचे ऊंचे जंप लगा रहा था ग्रेविटी कम होने की वजह से, और कुछ ही समय बाद गार्ड को पीछे छोड़ देता है। फिर उसके बाद उसके दिमाग में आता है कि वह उसी जगह पर जाएगा जहां पर पहली बार उसने पातिमा को देखा था, शायद इससे वो अपनी दुनिया में चली जाए। जैसे ही वह उस जगह पर जाता है कुछ गार्ड्स उनकी तरफ जाल फेंकते हैं और वो दोनों पकड़े जाते हैं। इसके बाद मूरा एज को डराता धमकाता है और उसे कहता है कि तुम मेरे रास्ते में मत आओ, मैं खुद ही इस लड़की से निपट लूंगा। इसके बाद पातिमा से वो मिलता है और उसे कहता है कि तुम लोग पापी हो, तुम्हें खुद को नहीं पता कि तुम्हारा जन्म कैसे हुआ। हमारे यहाँ पर एक साइंटिस्ट था जो कि धरती से ग्रेविटी की शक्ति निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका ये बड़ा एक्सपेरिमेंट फेल हो गया जिसके बाद धरती की ग्रेविटी दो हिस्सों में बट गई। एक हिस्सा नीचे धरती के काम करता है और एक हिस्सा धरती के ऊपर। तुम सभी लोग धरती के नीचे वाले हिस्से में चले गए, तुम सभी लोग तो शैतान हो, इसलिए मूरा धरती के नीचे रहने वाले सभी लोगों को ढूंढ ढूंढ कर उन्हें मारने की कोशिश कर रहा था। और मूरा ने ही पातिमा के दोस्त लेगोस को भी मार दिया था। इसके बाद एज नाराज होकर जमीन पर बैठा था, तभी वहां पर पातिमा का दोस्त पोड़ा आ जाता है। तब दोनों एक दूसरे से मिलते हैं तो वो उसे बताता है कि तुम्हारी दोस्त को मूरा ने अपने कब्जे में कर लिया, हमें उसे वहां से बाहर निकालना होगा। इसके बाद एज पातिमा को बचाने के लिए बिल्डिंग के अंदर जाता है और पातिमा के पास पहुंच जाता है। वहां पर मूरा और उसके आदमी भी आ जाते हैं। तभी पातिमा के नीचे शीशा था, पातिमा उस शीशे को तोड़ देती है, जिसके बाद दोनों आसमान की तरफ जाने लगते हैं क्योंकि मूरा ने पातिमा के पैरों पर वजन बांध दिया था और पातिमा की ग्रेविटी ऊपर आकाश की तरफ खींच रही थी, इसलिए दोनों आकाश की तरफ तेजी से जाने लगते हैं क्योंकि वेट थोड़ा ज्यादा हो गया था। ऊपर जाते वक्त उनको कुछ रोशनी दिखाई देती है। जैसे ही वे ऊपर जाते हैं ऊपर उन्हें पूरा का पूरा शहर दिखाई देता है। यहाँ पर कोई भी इंसान नजर नहीं आता, यहाँ पर ऐसे लग रहा था कि पातिमा सीधी हो गई है और एज उल्टा हो गया है। यहाँ पर उनको एज के पिता की बनाई हुई फ्लाइंग मशीन भी मिलती है और नीचे मूरा को तो यही लग रहा था कि दोनों अब मर चुके हैं, लेकिन वह दोनों अभी भी जिंदा थे। दूसरी तरफ एज को एक किताब मिलती है, जैसे ही वे किताब पढ़ता है तब उसे पता चलता है कि ये किताब उसके पिता की लिखी हुई है, जिसमें उसके पिता ने लिखा था कि मुझे एक ऐसा आदमी मिला जो उल्टा लटका हुआ दिखाई देता है। वह दोनों जल्द ही अच्छे दोस्त बन गए और उसकी मदद से मैंने एक फ्लाइंग मशीन को बनाया, मैं चाहता हूँ नीचे की दुनिया और जमीन के ऊपर वाली दुनिया एक साथ हंसी खुशी रहे। लेकिन मूरा ऐसा नहीं चाहता, वह दोनों दुनिया को अलग रखना चाहता है। वह नीचे के लोगों से नफरत करता है, नीचे के लोगों को शैतान वो मानता है। कुछ समय बाद पातिमा और एज उस मशीन को चालू कर लेते हैं और धरती की तरफ आने लगते हैं।
मूरा को भी पता चल जाता है कि धरती की तरफ आसमान से कुछ तो आ रहा है। मूरा के आदमी दोनों की तरफ गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन वह दोनों जैसे तैसे उनकी गोलियों से बच जाते हैं। जैसे ही वह दोनों जमीन के अंदर आते हैं, तब जमीन के नीचे रहने वाले लोग फातिमा का फ्यूनरल मना रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उसकी तो मौत हो चुकी है। तभी दोनों उनके सामने आ जाते हैं। दूसरी तरफ मूरा और उसके आदमी भी फ्लाइंग मशीन की मदद से जमीन के नीचे आ जाते हैं। मूरा अपने आदमियों को कहता है, जमीन के अंदर रहने वाले सभी लोगों को मार दो, लेकिन उसके आदमी उन लोगों पर हमला नहीं करते, जिसके बाद पोटा मूरा पर हमला करता है। दूसरी तरफ एज और फातिमा भी जमीन के नीचे आ जाते हैं। इसके बाद मूरा अपनी पिस्टल बाहर निकालता है और एज की तरफ चलाता है। एज उसे कहता है, तुम इन लोगों के दुश्मन क्यों हो? आगे से वह कहता है, ये लोग शैतान हैं, इन्हें खत्म करना ही सही है। लेकिन एज कहता है, ये लोग शैतान नहीं बल्कि हमारे जैसे ही, बस इनकी दुनिया थोड़ी सी हमसे अलग है। लेकिन मूरा उसकी एक बात नहीं सुनता और उसके पैर पर गोली चला देता है। मूरा दोबारा से गोली चलाने लगता है, तभी वहां पर पोटा उस पर हमला कर देता है। पोटा को भी ग्रेविटी ऊपर की तरफ खींच रही थी, जिसके बाद दोनों के बीच हाथापाई हो जाती है। पोटा का हाथ फिसल जाता है। इसके बाद वह आसमान की तरफ खींचा चला जाता है, क्योंकि आसमान उसे अपनी तरफ खींच रहा था। वह दोबारा से उन पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन फातिमा मूरा पर हमला कर देती है। तभी नीचे जमीन पर एक बहुत बड़ा सा छेद हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जमीन के नीचे आसमान था। वह बहुत हैरान कर देने वाली बात थी, जमीन के नीचे भी आसमान हो सकता है। इसके बाद आसमान मूरा को अपनी तरफ खींचने लगता है। अब यहाँ पर मूरा की ग्रेविटी उल्टी हो गई थी और फातिमा की सीधी हो गई थी। इसके बाद उसका हाथ छूट जाता है, मूरा आसमान की तरफ खींचा चला जाता है। इसके बाद फातिमा और एज दोनों आसमान की तरफ खींचे चले जाते हैं, क्योंकि एज का वजन ज्यादा था और फातिमा का वजन कम था। उसी वक्त वहां पर एक गार्ड पहुंच जाता है और दोनों को वह जाल की मदद से बचा लेता है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि नीचे जो इन्हें आसमान दिख रहा था, असल में यही असली धरती थी जो वैज्ञानिकों ने गलती से खराब कर दी थी। और इसी पर मूवी ख़त्म हो जाती है। गाइज, आपको वीडियो कैसी लगी? थोड़ी सी मुश्किल मूवी थी, लेकिन काफ़ी मज़ेदार थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्द ही नई वीडियो के साथ।